हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल हल कराने जा रहा हूँ वो क्लास 11th के गैसों के अणुगति सिद्धांत चैप्टर से लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बर्तन में 50 केल्विन ताप पर 4×10^24 गैस अणु है। बर्तन में गैस का दाब 0.03 वायुमंडल है। बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र इसके लिए क्या होता है, PV = nKT। वैसे आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है PV = nRT, ठीक है। लेकिन जब ये R की जगह पे बोल्ट्जमैन नियतांक आता है तो ये सूत्र हो जाता है PV = nKT, ठीक है। और K = होता है R/N। R गैस कांस्टेंट होता है, N एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए B = nKT/P, तो ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए देखिए यहाँ पे N की वैल्यू 4×10^24 × K की वैल्यू है 1.38×10^-23 × 50/0.03×10^5×1.01, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अब यहाँ पे कैसे हो गया 10^2 और ये 50 बन जाए 50, 50 × 2 = 100, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2×2 = 4, इसी तरह से आएगा कैलकुलेशन कर पर 276/303, इसे जब काटेंगे तो आएगा 0.91 घन मीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लीजिए और ये आंसर आएगा इसका। अब ये समीकरण दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर 50 केल्विन ताप की आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल 3 गुना हो जाएगी। सूत्र क्या होता है, B1/B2 √T1/T2। बी बार लिखा है, B1/B2 √T1/T2। बी बार ये क्या है, यहाँ पे BRMS है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्यमूल चाल, ठीक है। बी बार से हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ B^3 हो जाती है तो 3 B^ कैंसिल, ठीक है। T1 = 40 है और T2 = हमने मान लिया T, यही हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये फिर ये बी से बी कट जाए, 1/3 का दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, 1/9 = 40/T, यहाँ का रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो T = 360 केल्विन। अब देखिए उस ताप की गणना कीजिए जिस पर किसी गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 4.2×10^-19 जूल होगी। देखिए बहुत दीजिए E = 3/2 kT, तब 4.2×10^-19 E की वैल्यू है, ठीक है, बराबर 3/2, K की वैल्यू 1.4×10^-23 ये गिवन है, ठीक है। T बराबर ये अपॉन में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0.1 हट जाएगा, 14×3 = 42, और ये ठीक है 3 × 3 कट जाएंगे तो 2×10^4 23 ऊपर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 23×10^4 ये आंसर आ गया। ये देख रहे थे सवाल दिया है होमवर्क के लिए, नाइट्रोजन के 1 kg अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 27°C पर 600 जूल है। 27°C पर माध्य 127 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये लगा लेना अपने आप, ये E1/E2 = T1/T2, ये बार बार मतलब लगाना, ठीक है बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन है, घर पे लगा लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।